वेलकम टू माय चैनल नीट रॉक स्टार आईपीएस मिशन डॉक्टर टू बी. दिस इज माय सेकंड वीडियो. इन फर्स्ट वीडियो वी हैव सीन द प्लानिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ माय चैनल एंड व्हाट वी हैव प्लान्ड अबाउट नीट प्रिपरेशन. सो इन दिस वीडियो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल सी द स्मार्ट इंस्ट्रक्शंस टू स्टडी द एनी टॉपिक थरोली और स्मार्टली. सो go through these instructions. I will explain you one by one. Do these smart things. First, take a biology NCERT book of 11th or 12th. पहले आपको क्या करना है, biology NCERT book लेनी है, चाहे वो 11th की हो या 12th की हो. बाद में आपको क्या करना है, go through the units. आपको पूरे वो जो 11th में 5 units हैं और 12th में 5 units हैं, उनके थ्रू जाना है. बाद में क्या करना है, चेक दी चैप्टर्स इंक्लूड इन रिस्पेक्टिव यूनिट्स. आपको उस यूनिट में जो जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं उनके थ्रू जाना है. आपको देखना है कि उस चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड किया गया है और उस चैप्टर से हम क्या क्या सीखने वाले हैं. सो नेक्स्ट, मेक माइंड मैप ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू बी लर्न थ्रू ऑल बायोलॉजी एनसीईआरटी. मतलब आपके पास जो क्लास 11th और क्लास 12th के एनसीईआरटी हैं, आपको उस यूनिट के थ्रू जाके यूनिट में जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं वो देखने हैं और उन चैप्टर के थ्रू हम क्या सीखने वाले हैं, चैप्टर के थ्रू एज वेल एज पूरे एनसीईआरटी के थ्रू हम क्या सीखने वाले हैं, ये आपको पहले कंफर्म करना है. देन टेक द चैप्टर्स टू स्टडी वन बाय वन. बाद में आपको एक एक चैप्टर स्टडी के लिए लेना है. देन फॉलो दिस स्मार्ट गाइडलाइंस. ओके, तो आपको नीचे दिए गए वो गाइडलाइन है वो आपको रेफर करने हैं. मेक योर चैप्टर परफेक्ट बाय फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस. सो फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको एक चैप्टर सेलेक्ट करना है, मीन्स सेलेक्ट द टॉपिक. देन चेक द कंटेंट ऑफ द टॉपिक. बाद में आपको क्या करना है, जो एनसीईआरटी का आपने चैप्टर लिया है उसमें पहले दिया होगा कंटेंट, मतलब आप उस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हो. देन गो थ्रू द टॉपिक. आपको वो टॉपिक लर्न करते हुए नीचे नीचे जाना है. देन अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वाइल स्टडिंग द चैप्टर. आपको मेन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अंडरलाइन करने हैं. देन स्टडी द डायग्राम्स. आपको डायग्राम स्टडी करने हैं, उनके लेबलिंग स्टडी करने हैं. डायग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, तो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एंड हाउ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन दैट डायग्राम्स. सो स्टडी द ईच ब्रैकेट ऑफ द एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में का हर एक ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है. मतलब ब्रैकेट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है एनसीईआरटी में बायोलॉजी, वो इन्फॉर्मेशन एज लाइक दैट ओनली नीट एग्जाम में पूछा जाता है. मतलब ब्रैकेट में जो इन्फॉर्मेशन होती है उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है. हम ब्रैकेट है इसलिए हम वो इग्नोर कर देते हैं, पर वही ब्रैकेट हमें एग्जाम में क्वेश्चन के लिए आने वाला है. सो व्हाइल स्टडीइंग द चैप्टर मेक द माइंड मैप ऑफ नोट्स. जब आप चैप्टर के थ्रू जाते हो तब आपको एक दिमाग में एक माइंड मैप बनाना है कि आपको ऐसे ऐसे नोट्स निकालने हैं उसके. ओके, सपोज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो उसमें है टाइप्स ऑफ टिश्यूज. तो आप जब टिश्यू के टाइप में जाते हो तब आपको एक दिमाग में एक माइंड मैप आपके बनना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे ट्री डायग्राम बनानी है. तो फर्स्ट सपोज ट्री डायग्राम विल बी लाइक दैट. फर्स्ट आपको टाइटल डालना है टाइप्स ऑफ टिश्यूज और ओनली टिश्यूज. बाद में आपको दो एरो करने हैं, नीचे डालना है सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू. देन उसके सब टाइप्स आपको नीचे मेंशन करने हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको अंडरलाइन करने हैं. अगर ऐसे ट्री डायग्राम और फ्लो चार्ट के थ्रू आप अगर जाते हो नोट्स निकालते हो तो आपका वो स्पेसिफिक चैप्टर जो आप पढ़ने वाले हो, जिसके आप नोट्स निकालने वाले हो, वो आपको बहुत ईजी जाएगा. आफ्टर स्टडिंग ऑल टॉपिक समराइज द टॉपिक. पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आपको एक समरी रिवीजन मारनी है पूरे चैप्टर पर से, ताकि आपको समझ में आए कि हमने पहले क्या सीखा है और हमें कैसे कैसे नोट्स बनाने हैं. देन आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक प्रिपेयर नोट्स फॉर द टॉपिक. आपको क्या करना है, आप पहले क्या आपने क्या किया, पहले आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, बाद में आप कंटेंट देखने वाले हैं उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम. बाद में आप वन बाय वन लाइन जाने वाले हो, जो इम्पोर्टेंट है वो अंडरलाइन करने वाले हो, और वो कंटेंट के थ्रू जाते वक्त आप दिमाग में एक माइंड मैप बनाने वाले हो कि मुझे इसके नोट्स कैसे निकालने हैं. आपको दिमाग में ट्री डायग्राम बनाने हैं और फ्लो चार्ट बनाने हैं और साइकिल्स बनाने हैं, जिसके थ्रू आपका वो बायोलॉजी कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा. तो जब आप वो पूरा चैप्टर पढ़ोगे
तो आपको उसके नोट्स बनाने हैं अलग से आपके नोटबुक में, सो दैट यू कैन रिवाइज दैट टॉपिक इन मिनिमम टाइम एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम. सो उस चैप्टर के रिवीजन के लिए आपको वो नोट्स बहुत इजी हो जाएंगे. सो जस्ट ट्यून इन टू माई चैनल नीट रॉकस्टार IPS. सब्सक्राइब फॉर मोर प्लान्स. लाइक द वीडियो. डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू कम्प्लीट यूर नीट प्रिपरेशन. And share the video to help others. Thank you.